हेलो एवरीवन। तो देखिए, हम लोग कर रहे हैं यूनिट 1 शिक्षा मनोविज्ञान। तो आप लोगों ने वीडियो जो है वो देखा होगा अच्छे से और समझ में भी आया होगा। तो चलिए, उसके बाद हम देखते हैं मनोविज्ञान का विकास संप्रदाय या स्कूल, किस तरीके से मनोविज्ञान का विकास हुआ। और यहाँ पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अपने अलग अलग जो है स्कूल खोले, ठीक है, तो जहाँ पर जो है अपनी अपनी जो है वो विधियों का प्रयोग किया। तो सबसे पहले जो है मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला खोली थी, हमने बात की थी कि जो विलियम बुंट हैं, इन्होंने 1879 में लिप्जिंग वर्ग में जर्मनी में जो है वो प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। तो उस समय जो है संरचनावाद संप्रदाय का उदय हुआ, ठीक है। तो मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल 1879 में से शुरू हो गया, 79 से शुरू हुआ, और इसी वर्ष विलियम बुंट ने अपनी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की और संरचनावाद संप्रदाय का उदय हुआ। तो सबसे पहला जो स्कूल है, सबसे पहला जो संप्रदाय है, वह है संरचनावाद। तो इसके जो समर्थक हैं विलियम बुंट हैं, और इनके शिष्य जो रहे टिचनर। विलियम बुंट के जो शिष्य हैं टिचनर, इन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में 1892 में संरचनावाद स्कूल जो है वह प्रारंभ किया। तो संरचनावाद जो है मनोविज्ञान में विश्वविद्यालय में पनपने वाला जो है वो प्रथम जो है संप्रदाय माना जाता है, ठीक है। तो दर्शन शास्त्र से जो है मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय जो है वो इसी संप्रदाय को माना जाता है, संरचनावाद को। तो आपको याद आया होगा जब मैंने आपको बताया था कि पहली जो प्रयोगशाला जो है स्थापित की, उसके बाद से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। तो इसी वजह से संरचनावाद संप्रदाय को ही माना जाता है कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय किसको जाता है? संरचनावाद को। संरचनावाद के अनुसार जो है मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वह चेतन अनुभूति थी। क्या थी? चेतन अनुभूति। चेतन पर जो है वो सर्वाधिक बल दिया गया। चेतना से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से था जो व्यक्ति में एक दिए हुए क्षण में उपस्थित होता है। तो चेतन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम जो भी कार्य जो हैं, जो सक्रिय अवस्था में रहकर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम जो है वो चेतन मन कहेंगे, ठीक है। तो हमारा माइंड जिस समय जो है पूरी तरह से एक्टिव होता है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे? चेतन मन कहेंगे। तो टिचनर, इन्होंने चेतना के तीन तत्व बताए, संवेदन, भाव या अनुराग, प्रतिमा या प्रतिबिंब। जब हम अपने एक्टिव पोजीशन में होते हैं तो वहां हमारा जो है संवेदन, ये तत्व काम कर रहा होता है, हमारा क्या भाव है वो काम कर रहा होता है, और वो प्रतिमा जिसको हमने देखा। बुंट के समय मनोवैज्ञानिक जो है वो अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा मन की संरचना का जो है विश्लेषण कर रहे थे। तो इसीलिए जो है इन्हें संरचनावादी जो है कहा गया, ठीक है। और इस स्कूल का नाम जो है वो संरचनावाद जो है संप्रदाय या संरचनावाद स्कूल कहा गया, क्योंकि इन्होंने मन की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसका विश्लेषण किया। अंतर्निरीक्षण विधि को जो है आगे जो मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इनकी आलोचना की, उन्होंने इसे कम वैज्ञानिक पाया कि ये वैज्ञानिक नहीं है, ये मनोविज्ञानों को जो जो भी मनोवैज्ञानिक थे उनको संतुष्ट नहीं कर सका, क्योंकि अंतर्निरीक्षण विवरणों का जो है सत्यापन जो है बाहरी प्रेक्षकों द्वारा संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको नकार दिया गया। संरचनावाद शब्द का प्रयोग केवल टिचनर ने किया, बुंट ने नहीं किया। याद रखें कि संरचनावाद शब्द का प्रयोग जो है वो केवल टिचनर ने किया, बुंट ने जो है इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। बुंट ने अपने विचारों को वॉलंटेरिज्म कहा, ठीक है। याद रखिएगा कि संरचनावाद शब्द का प्रयोग जो है वो केवल टिचनर ने किया, और बुंट ने अपने विचारों को क्या नाम दिया? वॉलंटेरिज्म नाम दिया। फिर देखिए, संरचनावाद के बाद जो है जो स्कूल का नाम आता है, जो संप्रदाय है, वह है प्रकार्यवाद या कार्यवाद, जो कि संरचनावाद जो स्कूल है उसकी आलोचना करता है। तो इसकी स्थापना जो है वो विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी में की थी। किसकी? प्रकार्यवाद की। प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है, तो इसका जो
स्थापना है, इसका जो प्रारंभ है वो विलियम जेम्स ने अमेरिका का जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें किया था। ठीक है, तो इनके अनुसार जो है, प्रकार्यवाद के अनुसार जो मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो चेतना के कार्य हैं। चेतन जो है वह नहीं, चेतना का जो कार्य है मन या व्यवहार के कार्य जो है उनका अध्ययन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संप्रदाय के जो लोग हैं वो दो तरह के जो है क्वेश्चन जो है उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति जो है वो क्या करता है और व्यक्ति क्यों कोई जो है व्यवहार करता है। ये जो है इन प्रश्नों का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इनकी जो पुस्तक है विलियम जेम्स की, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, तो इसमें जो है इन्होंने इसका वर्णन किया। विलियम जेम्स का मानना था कि मनोविज्ञान का संबंध जो है किससे है, चेतना क्यों और कैसे काम करती है इससे है। ये लोग जो है दो तरीके के क्वेश्चन जो है उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति जो है वो क्या करता है और व्यक्ति क्यों जो है कोई व्यवहार करता है। ठीक है, ना कि इस बात से कि चेतना के तत्व कौन से हैं। तो चेतना के तत्व की जो बात जो जो कि टिचनर ने, विलियम बुंट ने की थी, जिसमें उन्होंने संवेदना, प्रतिमा और अनुराग उसका अध्ययन करना बताया, तो ये लोग उस बात को नकारते हैं। ये कहते हैं कि चेतना के तत्व कौन कौन से हैं, ये इस बात की जो है जो व्याख्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि व्यक्ति जो है क्यों कोई जो व्यवहार कर रहा है। तो जेम्स ने चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता पर जो है अधिक बल डाला कि कैसे जो है वो चेतन कार्य करता है, चेतन मन किस तरीके से जो है व्यवहार करता है। इसके जो अन्य संस्थापक हैं ड्यूवी हैं और एंजिल हैं। विलियम जेम्स के अनुसार मानव की संरचना पर ध्यान देने के स्थान पर यह अध्ययन करना चाहिए कि मन क्या करता है और मन व्यवहार लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है। तो जब हमने इनकी परिभाषाएं पढ़ी थी तभी हमें इस चीज की जो है वो नॉलेज हो गई थी कि जो प्रकार्यवाद संप्रदाय है वो कैसी बात करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि चेतन के तत्व जो है वो क्या क्या हैं, वो ये बात करते हैं कि ये कार्य कैसे करते हैं। विलियम जेम्स ने 1899 में टॉक टू टीचर्स पुस्तक लिखी, जो कि जेम्स की प्रथम पुस्तक थी। ठीक है, तो ये बात जो है वो आप याद रखें। तो इसीलिए इस संप्रदाय का नाम जो है कार्यवाद, कार्य के ऊपर जो है ये लोग बात करते हैं, तो इसका जो नाम है प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय रखा गया। तीसरे जो संप्रदाय है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान या समग्राकृतिवाद। ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब ये जो है इसी स्कूल के जो मनोविज्ञानिक है वो किस तरीके की बात करते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति जो है वो संपूर्ण का अध्ययन करता है, उसके बाद में उसके वो छोटे छोटे जो पार्ट हैं उसका अध्ययन करता है। मान लीजिए एक जो पेड़ है, एक जो पेड़ है, ठीक है, तो कहीं भी हम जब जाते हैं तो सबसे पहले हमें वो पेड़ दिखाई देता है, हमारी नजर केवल पेड़ पर जाती है, ना कि उस पर लगे हुए फल, फूल, पत्ती इन पर जाती है। हम सबसे पहले जो है एक झलक में वो पूरा पेड़ देखते हैं, फिर बाद में हम उसके छोटे छोटे जो भाग हैं उन पर जाते हैं, यानी होल टू पार्ट की बात जो है ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अंतर्गत ये जो मनोवैज्ञानिक है करते हैं। तो गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना मैक्स वर्दीमर द्वारा 1912 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो संस्थापक हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के वो हैं वर्दीमर, यहाँ जो प्रयोग करने वाले कोहलर रहे और इनका साथ देने वाले रहे कोफका। तो जो जर्मन संप्रदाय के ये तीनों नाम जो है वो आप याद रखें, कोहलर, कोफका और वर्दीमर। गेस्टाल्ट जो है एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या है, संपूर्ण, पूर्ण, आकृति, आकार या समाकृति। ठीक है, तो ये संपूर्ण से अंश की ओर जाने की बात करते हैं। मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। गेस्टाल्टवाद में इस विचार पर बल दिया जाता है कि चीजें पूर्णतः एकीकृत रूप से अनुभव की जाती हैं, पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड रूप में जो है इनको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण सदैव अपने अवयवों के योग से अधिक होता है, होल टू पार्ट, जैसा कि मैंने पेड़ का एग्जाम्पल आपको दिया। किसी
कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो संपूर्णता। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में हम जब एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हम उसका जो पूरा भाग है वो देखते हैं, बाद में हम डीप में जाकर जो है छोटे छोटे भागों की तरफ जाते हैं। वर्दिमर ने प्रत्यक्षण के क्षेत्र में कार्य किया और कोहलर ने अधिगम के क्षेत्र में कार्य किया। तो कोहलर की जो सिद्धांत है जिसमें हम देखते हैं कि कोहलर ने वन मानुष पर जो है अध्ययन किया था, ठीक है, और जो वर्दिमर हैं वह प्रत्यक्षण के क्षेत्र में जो है कार्य करते हैं। तो इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो ये नहीं कहते हैं कि आप जो है कोई भी प्रयास करो या गलती करो और फिर इंसान सीखता है। ये बोलते हैं कि व्यक्ति जो है सीखने की जो प्रोसेस है वो क्या है, एकदम उसके दिमाग में जो बत्ती जलती है वह है, यानी कि सूझ के द्वारा जो है व्यक्ति जो है वो कोई भी चीज सीख सकता है। कोफ्का ने स्मृति के क्षेत्र में काम किया। तो स्मृति के क्षेत्र में जो है किसने काम किया, कोफ्का ने काम किया। ये कहते हैं कि जो स्मृति है इसमें जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे जो है इसमें चेंजमेंट जो है वो आते जाते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि स्मृति जो है वो एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। फिर देखें नेक्स्ट जो स्कूल है वह है व्यवहारवाद। तो यहाँ संस्थापक कौन है, जेबी वॉटसन है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, अतः इसका विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, चेतना नहीं हो सकता है। तो ये जो प्रकार्यवाद है उसकी आलोचना करके व्यवहारवाद स्कूल जो है वो आता है, जिसमें ये कहते हैं कि जो विषय वस्तु है किसकी, मनोविज्ञान की, वो चेतना नहीं है बल्कि केवल और केवल व्यवहार हो सकता है। तो वॉटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया, यानी कोई भी हमारे सामने वस्तु है, कोई उद्दीपक है, उसके प्रति जो है वो हम अनुक्रिया करते हैं, यही व्यवहार है। इन्होंने मनोविज्ञान की चार विधियां बताई। कौन कौन सी, वॉटसन ने एक तो प्रेक्षण बताई, अनुबंधन बताई, परीक्षण बताई और शाब्दिक रिपोर्ट। ठीक है, वर्बल रिपोर्ट। तो देखिए प्रेक्षण जो है वो क्या होता है, प्रेक्षण यानी कि निरीक्षण करना। तो इन्होंने जो चार विधियां बताई जिसमें पहली जो है वो निरीक्षण विधि है, यानी कि जिसमें जो बच्चा होता है या कोई भी व्यक्ति होता है वो मानसिक और शारीरिक रूप से जो है क्रियाशील रहता है। ठीक है, क्योंकि जब छात्र किसी घटना का जो है निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, तो उसमें जो है वो बहुत सारे जो है चेंजमेंट करते हुए प्रयोग करता है। तो ये है प्रेक्षण विधि, और उसके आधार पर ही वो नवीन जो जो तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, उन पर पहुंचता है। दूसरा है अनुबंधन। अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग, जो कि हम आगे चल के सिद्धांतों में पढ़ेंगे, पेवलोव की थ्योरी में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस विधि का प्रयोग करके एक ऐसी कंडीशन जो है वो पैदा की जाए कि जो चीज जो है नेचुरल हो रही थी वो अब कंडीशन के द्वारा हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने जो है वॉटसन ने चार विधियां प्रयोग में लाई। एक तो देख कर निरीक्षण करके जो है इस विधि का प्रयोग, जिसके आधार पर व्यक्ति जो है वो तथ्य पर पहुंचता है। दूसरा अनुबंधन के आधार पर पहुंचता है। तीसरा परीक्षण यानी कि टेस्टिंग के आधार पर पहुंचता है, उसे जांच पर रखकर पहुंचता है। और चौथा है शाब्दिक रिपोर्ट। ठीक है, तो जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रेक्षण या निरीक्षण विधि है। तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में वॉटसन ने निरीक्षण योग्य व्यवहार पर जो है वो ज्यादा बल दिया है और प्रयोगात्मक विधि को जो है महत्वपूर्ण माना है। इसका समर्थन कौन कौन करते हैं, थॉर्नडाइक कर रहे हैं, पेवलोव कर रहे हैं, स्किनर कर रहे हैं, गुथरी कर रहे हैं, हल, टॉलमेंट, बॉन्ड्रा, इन सब की जो थ्योरी है उसमें हम देखेंगे इन चारों जो विधियां हैं इनका प्रयोग। ठीक है, प्रेक्षण का प्रयोग यानी किसी चीज को देख कर और उसके बाद जो है वो क्रिया करना। अनुबंधन यानी कि किसी भी जो नेचुरल चीज हो रही है और उसको जो है बॉन्ड करना, यानी कि उसमें जो है संबंध स्थापित करना उद्दीपक के साथ और उसे जबरन उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, परीक्षण करना और शाब्दिक रिपोर्ट। तो ये चारों चीजें जो है जिसका समर्थन कौन करते हैं, थॉर्नडाइक करते हैं, पेवलोव करते हैं, स्किनर करते हैं, गुथरी, हल, टॉलमैन और बोंडुरा करते हैं। नेक्स्ट जो स्कूल है मनोविश्लेषणवाद स्कूल। अब देखिए यहां पर संप्रदाय में से आप लोगों से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो ऐसा आएगा कि मनोविश्लेषण स्कूल की स्थापना किसने की, व्यवहारवाद जो है स्कूल इसकी स्थापना किसने की, या प्रकार्यवाद की स्थापना जो है वह किसने की, ये पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान की चार विधियां प्रेक्षण, अनुबंध, परीक्षण, शाब्दिक रिपोर्ट किसने बतलाई, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये भी पूछा जा सकता है कि जो टिचनर हैं उनके अनुसार चेतना के कितने तत्व हैं, ठीक है। तो हमने देखा तीन तत्व, संवेदन, भाव, प्रतिमा, ठीक है, ये तीनों हैं। इस तरीके से क्वेश्चन जो है यहाँ पूछा जाएगा। मनोविश्लेषणवाद स्कूल ऑफ साइको एनालिस, इसकी स्थापना जो है वह सिगमंड फ्राइड ने की थी, और इन्होंने जो है अचेतन मन पर सर्वाधिक बल दिया। कौन सा मन, जो मैंने आपको बताया था स्वप्न वाली बात, ठीक है, तो उस पर जो है इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया, जो कि मन का जो है 90% भाग जो है वो इसी का होता है, अचेतन मन का। सभी तरह के असामान्य व्यवहारों का कारण क्या है, अचेतन मन है। यानी व्यक्ति जो है, जो भी हम देख रहे हैं कि वो एबनॉर्मल व्यवहार कर रहा है, उसका कारण क्या है, अचेतन मन है। यानी कुछ ना कुछ जो है उसके माइंड में पहले की चीज जो है वो रह गई है, जिसको वो उस चेतन अवस्था में नहीं कर पाया, और वो जो कि उसके अचेतन मन में चली गई, और अब वो असामान्य व्यवहारों के कारण जो है वो सामने आ रही है, ठीक है। तो इसी अचेतन मन का जो है सबसे ज्यादा जो बात करते हैं वो सिगमंड फ्राइड करते हैं। तो फ्राइड ने जो है अचेतन मन के अध्ययन की जो है वो तीन विधियां बताई। कौन कौन सी, एक तो मुक्त साहचर्य विधि बताई, दूसरी सम्मोहन बताई, और तीसरी स्वप्न की व्याख्या बताई, ठीक है। तो अचेतन मन के अध्ययन की जो ये जो विधि है, स्वप्न की व्याख्या यानी कि किसी के स्वप्न के बारे में जानना, सम्मोहन यानी कि उसको सम्मोहित करके, और फिर ये जानना कि जो भी वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है उसका क्या कारण है, ठीक है। मुक्त साहचर्य विधि, यहाँ पर व्यक्ति जो है उसको कहा जाता है कि वो लेट जाए, और लेट कर जो है वो अपनी आंखें जो है वो बंद कर ले, और मन में जो भी कुछ आए उसे बिना किसी रुकावट के जो है वो कहे, ठीक है। तो जिससे कि अचेतन मन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी बातें हैं, वह सामने आ सके। तो ये तीन विधियों का प्रयोग जो है वो कौन करते हैं, फ्राइड करते हैं। तो फ्राइड ने लैंगिक मूल प्रवृत्ति पर जो है वो अत्यधिक बल दिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है, और जिसको बाद में जो है वो नकारते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानवतावादी मनोविज्ञान, तो ये जो स्कूल है इसके समर्थक हैं अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स। तो मानवतावादी सिद्धांत की व्याख्या जो है वो अन्य सिद्धांतों से बिल्कुल जो है वो अलग है। इस सिद्धांत में जो है ये माना जाता है कि व्यक्ति जो है मूल रूप से यदि अच्छा है, आदरणीय है, तो उसके साथ जो उसका जो परिवेश है, उसका जो वातावरणीय दशाएं हैं यदि अनुकूल हैं, तो वो जो है सकारात्मक विकास करेगा, ठीक है, नहीं तो नकारात्मक विकास करेगा। यदि जो परिवेश है, दशाएं जो है उसके अनुकूल नहीं है, और मूल रूप से जो है वो व्यक्ति जो है वो अच्छा नहीं है। तो इसके इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक जो है वो अब्राहम मैस्लो जो है इनको जो है मुख्य रूप से माना जाता है। कार्ल रोजर्स जो है इन्हें भी मानवतावादी मनोविज्ञान माना जाता है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक माना जाता है। तो मानवतावादी मनोविज्ञान ने व्यक्ति की स्वतंत्र जो इच्छाएं हैं, आत्मवृद्धि जो है, आत्मसिद्धि जो है, इस पर बल दिया है कि किस तरीके से उसको जो है पॉजिटिव जो है जो नेचर मिलता है, यदि वह इंसान पॉजिटिव है तो वो आपको जो भी एक्टिविटी, जो भी व्यवहार करके देगा, कैसा देगा, वो पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। मानव का व्यवहार जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाओं से नियंत्रित होता है, ना कि अचेतन मन से होता है। यदि उसकी जो भी इच्छाएं हैं, यदि वो उस पर कंट्रोल पा लेता है, जो उसकी स्वतंत्र इच्छाएं हैं, तो उसी तरीके से वो व्यवहार करेगा, ठीक है। अचेतन मन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। मनोविज्ञान सब प्रकार की ज्ञानात्मक क्रियाओं जैसे कि स्मरण करना, कल्पना करना, संवेदना, ये सभी क्या हैं, ये ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं जो कि ज्ञान से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। स्मरण यानी कि याद करना, कल्पना करना यानी सोचना, संवेदना, ये सभी ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। और संवेगात्मक क्रियाओं जिसमें रोना, हंसना, क्रोध, ये सभी संवेग हैं। गतिक क्रियाओं जिसमें बोलना, चलना, फिरना आदि, इन सब का अध्ययन है,
तो ये क्या है, ये एक निचोड़ है कि मनोविज्ञान आखिर है क्या। तो मनोविज्ञान जो है वो ज्ञानात्मक क्रियाएं, जो भी हम सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, संवेदना कर रहे हैं, इसका अध्ययन करना है। इसके अलावा जो हमारी संवेगात्मक क्रियाएं हैं, रोना, हंसना, क्रोध करना, इसका भी अध्ययन करना है। और गतिक क्रियाएं, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह, या एक जो बात है वह दूसरी जगह, ठीक है, ये सभी क्या है, गतिक क्रियाएं हैं। बोलना, चलना, फिरना, इन सब का अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है। तो इस तरीके से हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय की बात की, जिसमें संरचनावाद जो संप्रदाय है सबसे पहला है, विलियम बुंट और टिचनर ने जो है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रकार्यवाद की हमने बात की, जिसे हम कार्यवाद भी बोलते हैं, जो कि करने पर विश्वास करते हैं, विलियम जेम्स और जॉन ड्यूवी जो हैं उसके समर्थक हैं। व्यवहारवाद, जो कि व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वॉटसन है, स्कीनर हैं, ठीक है, हल हैं, गुथरी हैं। गेस्टाल्टवाद, जो हमने देखा कि जिसमें वर्डाइमर हैं, कोफका हैं, कोहलर हैं। और मनोविश्लेषणवाद, जिसके जो समर्थक हैं वो कौन है, सिगमंड फ्राइड हैं, जो कि अचेतन मन जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इस तरीके से मनोविज्ञान के संप्रदाय जो हैं वो हमने पढ़े। अगला देखें मनोविज्ञान की शाखाएं। तो मनोविज्ञान की शाखाएं जो हैं वह है, देखिए, दो शाखाओं में बांटा गया है। एक तो शुद्ध मनोविज्ञान, जिसे हम सैद्धांतिक मनोविज्ञान कहते हैं, जो कि एक थ्योरी यानी कि उस पर बेस्ड है। दूसरा है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, जो कि अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी कि जो अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो इनका जो ये जो है, ये केवल ज्ञान ग्रहण करना, इनका सिद्धांत जो है इस पर आधारित होता है कि केवल ज्ञान ग्रहण करना है, जबकि अप्लाइड साइकोलॉजी जो है वो प्रयोग करके देखेगी, सैद्धांतिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों का विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करना। तो यहाँ पर जो सैद्धांतिक मनोविज्ञान है उसमें सामान्य मनोविज्ञान आ जाएगा, असामान्य मनोविज्ञान आ जाएगा, सामाजिक मनोविज्ञान आ जाएगा, प्रायोगिक मनोविज्ञान आ जाएगा, दैहिक मनोविज्ञान आ जाएगा, परामनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, जो कि थ्योरी बेस्ड है। और दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर अप्लाइड जो साइकोलॉजी है उसमें नैदानिक मनोविज्ञान आ जाएगा, जिसमें निदान किया जाएगा, औद्योगिक मनोविज्ञान आएगा, कानूनी मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, उपभोक्ता मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। तो हमारा जो विषय है वह है शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा अनुपयुक्त मनोविज्ञान यानी अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो सिद्धांत होंगे उनका विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग होगा। तो ये हमें पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान। फिर देखें भारत में मनोविज्ञान का विकास जो है वह कैसे हुआ। तो यहाँ पर कुछ डेटाज जो हैं वो आपको याद रखने हैं। 1915 में पहली जो है वो मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई भारत में। उसके बाद 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई। 1938 में अनुपयुक्त मनोविज्ञान का विभाग जो है वो प्रारंभ किया गया। 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई। और फिर 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस की स्थापना हुई। तो यहाँ पर भारत में 1955 ईस्वी में बेंगलोर में किसकी स्थापना हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी, अनुपयुक्त मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की एक शाखा, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान को हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा विषय है। तो हमने अब तक जो है वो क्यों पढ़ा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिक्षा के बारे में पूछा जाता है, मनोविज्ञान के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। मनोविज्ञान जो है उसका विकास कैसे हुआ ये भी पूछा जाता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसी में, शिक्षा मनोविज्ञान। तब तक जो भी पढ़ाया है इसको आप रिवाइज करिए। थैंक यू।